आज कौन सा त्योहार है? नहीं आज कोई त्योहार नहीं है। तो फिर ये ढोल कौन बजा रहा है? और क्यों बजा रहा है? हाँ नक्की सोड़ी अश्नार, एक नंबर का पागल है यार। ये सूढ़ी भी लिखने नहीं देगा, अभी क्यों बजा रहा है ढोल? ए अरे भाई सूढ़ी कौन? अरे काय झाले काय? काय मैं ये क्यों बजा रहा है ढोल? अरे क्या हुआ? क्या हुआ? कौन ढोल बजा रहा है? भाई सोड़ी इतना, अरे भाई सोड़ी क्या है? भाई सोड़ी बोला 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 कितना एक्साइटमेंट, चल डीरो पानी, चल 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 मोगी ढोल बजा रहा, कितना स्वीट लग रहा है। अरे क्या हुआ बेटा, ढोल क्यों बजा रहे? हाँ। शायद स्कूल में ढोल बजाने का होमवर्क दिया होगा। क्या? कहीं? अरे अंकल गुड न्यूज है। क्या? मेरे पापा ने इस महीने रिकॉर्ड ब्रेकिंग काम किया है। ओ? अरे क्या बात है, बधाई हो रोशन भाभी। मतलब वो क्या है ना, इस महीने रोशन ने 100 से भी ज्यादा गड्डियों को रिपेयर किया है। ओहो, बहुत बड़ी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है उसे। ओहो, और इस महीने प्रॉफिट है ना डबल ट्रिपल हुआ है। हाउ लवली, न्याय बात समझी ना गोगी गहलोत है ये। आनंद आनंद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूंगा, पापा जी तुसी ग्रेट हो, दुनिया गेल और तुसी बैट हो। ओए चक दे पट्टे मार दे छक्के, गेलो छ गेलो। रोशन आंटी इस बात पर पार्टी तो देनी पड़ेगी। हाँ तो मल सच ना, एकदम तुम पर गया है। अरे बेटा मेरा है तो मुझ पे ही जाएगा ना। ओए कोली तू चिंता मत कर, मैं तुझे पार्टी दूंगा, मेरे पापा मुझे पैसे देके गए हैं। थैंक यू। और मेरे पापा ने कहा है कि कैंटीन वाला खाना देते देते थक जाना चाहिए, लेकिन हमें खाना खाते खाते नहीं थकना चाहिए। ओहो, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। मतलब आज की रिश्ते सोड़ी अंकल के नाम। अरे इसको बोलते हैं पार्टी, क्या बात है बेटा। मेरे पापा ने बिजनेस में किया है कमाल और हम करेंगे धमाल, और इसी बात में करेंगे पार्टी करेंगे पार्टी करेंगे पार्टी करेंगे। कवि हो गया है गोगी। पार्टी करेंगे पार्टी करेंगे पार्टी करेंगे। अरे लेकिन बच्चों तुम लोग पार्टी तब करोगे ना जब कैंटीन जाओगे, और कैंटीन जाने के लिए तुम लोग को स्कूल जाना पड़ेगा, तो पहले स्कूल चलेंगे स्कूल चलेंगे स्कूल चलेंगे स्कूल चलेंगे स्कूल चलेंगे स्कूल चलेंगे क्या कितने खुश है बच्चे। अरे रोशन भाभी सोडी ने तो कमाल कर दिया, लेकिन सोडी दिख नहीं रहा है, कहाँ है सोडी? रोशन तो गराज गया है, और आज मैं भी उसके पूरे स्टाफ के लिए और उसके लिए गाजर का हलवा और छोले भटूरे बना कर लेके जाने वाली हूँ। अरे रास्ते में मेरा घर भी पड़ता है। कंट्रोल? अरे कंट्रोल क्या भाई, खुशी की बात पे कोई कंट्रोल नहीं। अरे इट्स ओके कोमल भाभी, हाजी भाई जाते जाते मैं आपके घर पे भी गाजर का हलवा और छोले भटूरे देते जाऊंगी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू रोशन भाभी, इट्स ओके। वाह 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 मेहता साहब, सोटी तो एकदम फॉर्म में है। शाम को तैयार रहना, पार्टी साटी का न्योता आएगा सोटी की तरफ से। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे नहीं नहीं जेठा भाई, मैंने तो रोशन को बोल दिया है, खबरदार तूने पार्टी शादी की बात की है, तुम सिर्फ काम पर ध्यान दोगे। और सोटी मान गया? हॉस्टल वाली, उसको घर में रहना है कि नहीं? अच्छा किया रोशन भाभी। नहीं नहीं अच्छा किया, अच्छी बात है आपने समझा दिया, पर सोड़ी है वो है। अब देखते हैं कितना समझता है। अरे? चलो बाय 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 गुड डे, चलो मिलते हैं।
सोड़ी? हेलो सोड़ी, अरे कांग्रेचुलेशन सोड़ी, मुबारक, मुझे पता चला। अरे क्या बात है दोस्त, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा ओ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं सबको बता दूंगा। लेकिन सबको मुझे फोन करना पड़ेगा, अरे सोड़ी कितना बिल आएगा? अरे मजाक कर रहा हूँ, तू बिल्कुल फिक्र मत कर, ये बात राज ही रहेगी, टॉप सीक्रेट। ओके थैंक यू बाय। अब सबको प्लान के बारे में बताना है, लेकिन नहीं पोपटलाल, यहाँ से नहीं, दीवारों के भी कान होते हैं, कहाँ से बात करूं? टेरेस पर जाकर बताता हूँ। जगह ठीक रहेगी। सबसे पहले किसको फोन करूं? भीड़े से शुरुआत करता हूं। हेलो। कुछ भी बोलने से पहले मेरी बात गौर से सुनो भीड़े। क्या? धीरे धीरे, सीक्रेट प्लानिंग है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुम्हें फोन किया है। हाँ 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 हाँ। कहो किसका फोन है? नहीं नहीं कुछ नहीं, रॉन्ग नंबर है। हाँ बोलो। और रॉन्ग नंबर है ना, बोलो कहाँ है? अरे नहीं नहीं मतलब बोलो, रॉन्ग नंबर है फिर भी बात करते। अरे भाई रॉन्ग नंबर है, फोन रखो। भीड़े है इंटेलिजेंट। ओके भाई, मैंने गैस पे दाल रखी है। वाह वाह। हाँ भिड़े। हाँ पोपटलाल बोलो, क्या हुआ, क्या बात है, क्या सीक्रेट है? भिड़े कोई सुन तो नहीं रहा? मैं सुन रहा हूँ ना, इसीलिए तो फोन किया है भाई, तुझे तो सुनना ही है ना। अब ध्यान से सुनो, तुम जहाँ खड़े हो वहां से निकलो, तुरंत चप्पल पहनो और पाउडर गली के कॉर्नर पर जयम्बे टी स्टॉल है ना, वहां आ जाओ। हाइते? अरे जे हाइते सब बताता हूँ, सारी बातें फोन पर नहीं बता सकता, तुम चाय की दुकान पर आ जाओ। और हाँ एक बात ध्यान रखना, किसी को कानों कान पता नहीं चलना चाहिए, सीक्रेट प्लानिंग है, आज तो दुनिया हिला देंगे। हाँ वो सब ठीक है पोपटलाल, लेकिन हेलो हेलो हेलो, कमाल है ये पोपटलाल, किसकी दुनिया हिलाने वाला है? बाबूजी मैं दुकान जा रहा हूँ। हाँ। अरे दया। हाँ। मैं निकल रहा हूँ दुकान के लिए। हाँ, टप्पू के पापा, आज आपको टिफिन में क्या भेजूं? एक काम कर, पनीर मक्खन वाला, मलाई कोफ्ता, वेज कोल्हापुरी, चार तंदूरी रोटी कड़क, दोनों साइड बटर लगा के, बूंदी रायता, कश्मीरी पुलाव, मसाला पापड़, छाछ और एक प्लेट गर्मा गर्म गुलाब जामुन। ये भाई क्या बहू ने क्या घर में पंजाबी होटल खोल के रखी है, जो तू होटल की तरह ऑर्डर दे रहा है? अरे मजाक मजाक कर रहा हूँ बापूजी, उसने मेरे साथ मजाक किया तो मैंने भी उसके साथ मजाक किया। बहू ने क्या मजाक किया तेरे साथ? ओके बापूजी, उसने पहले सब्जी बना ली होती है, लेकिन मुझे अच्छा लगे कि मुझे पूछा, इसलिए मुझे पूछती है कि टप्पू के पापा बताइए आज दोपहर को आपके लिए खाने में कौन सी सब्जी बना के भेजूं। बराबर ना? सच सच बता, अभी कौन सी सब्जी बनाई है तूने? टिंगड़े की सब्जी। देखा देखा बापूजी। बापूजी अभी होटल की बात निकली तो मेरे दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना आज शाम को हम सब होटल में खाना खाने जाए। अरे नहीं नहीं आज नहीं, आज शाम को हम सब दोस्त मिलने वाले, वो रवजी है ना वो फॉरेन घूमने गया था, तो आज हम सब दोस्त मिल के वो फॉरेन के फोटो देखने वाले। नेपाल। ओहो बापूजी फोटो कल देख लेना, आज अच्छा मूड बना है तो जाते हैं सब लोग बाहर खाना खाने। अरे नहीं नहीं भाई, मैंने सबको बोल दिया है नहीं जाऊंगा तो सब लोग नाराज हो जाएंगे। तो एक काम करूं, मैं रवजी काका को फोन करके बोल दूं बापूजी नहीं आएंगे आज। अरे नहीं भाई। बापूजी चलिए ना, कितने दिन हो गए हम चारों ऐसे साथ में बाहर खाना खाने नहीं गए, क्या टप्पू भी खुश हो जाएगा। चल ठीक है
आज टप्पू के लिए मैं दोस्तों की डांट खा लूंगा। थैंक यू बापू जी, थैंक यू। दया देख अभी नक्की हो गया, शाम को हम सब बाहर खाना खाने जाएंगे, तो तू गलती से खाना मत बना देना शाम का, और टप्पू को भी बोल देना। लेकिन टप्पू के पापा, आज शाम को मुझे जरा बाहर जाना है। तुझे कहाँ बाहर जाना है अभी? वो सुंदर वीरा के लिए अच्छा सा शादी के लिए सूट खरीदना है। सुंदर शादी कर रहे है? नहीं, वीरा शादी नहीं कर रहा है, वो तो उसके दोस्त की शादी है, उसने पहनने के लिए सूट मंगवाया है। अहमदाबाद में सूट नहीं मिलते हैं जो मुंबई से मंगवा रहा है? हाँ हाँ, अहमदाबाद में सूट मिलते हैं, लेकिन वीरा ने कहा कि बेना तुम्हारी पसंद है ना अप्रेटून होती है, तो तू ही कोई सूट पसंद करके भिजवा, और उसका दोस्त परसों ही आने वाला है, तो कहा कि उसके हाथों में पैसे भी भिजवा दूंगा। हाँ तो परसों पैसे आ जाए, बाद में खरीदी करने चले जाना। क्या मतलब? अरे भाई, उसके दोस्त की शादी को भी टाइम होगा ना, बाद में खरीद के भेज देना। शादी 2 दिन के बाद ही है। अरे तो कल सुबह चली जाना, आज के आज खरीदना जरूरी है। आज शाम को जाए, कल सुबह खरीदे, बात तो एक ही है ना बापूजी, कितना फर्क पड़ेगा है? हाँ, ठीक है टप्पू के पापा, मैं टप्पू को बता देती हूँ। हाँ बोल जेठालाल, कहाँ हो तुम? घर पे। क्यों? धीरे धीरे सुनो, अगर तुम्हारे आसपास कोई है तो एकदम इधर उधर हो जाओ। क्यों? अरे भाई धीरे धीरे, ज्यादा सवाल मत पूछो, अगर किसी ने सुन लिया तो पूरा प्लान चौपट हो जाएगा, सीक्रेट प्लान है। अच्छा, क्या हुआ जेठा? अरे अरे, पार्टी का फोन है बाबू जी। हेलो हेलो हेलो, आपकी आवाज कट रही है। हेलो हेलो हेलो, जेठालाल कहाँ हो तुम? घर पे। क्यों? धीरे धीरे सुनो, अगर तुम्हारे आसपास कोई है तो एकदम इधर उधर हो जाओ। क्यों? अरे भाई धीरे धीरे, ज्यादा सवाल मत पूछो, अगर किसी ने सुन लिया तो पूरा प्लान चौपट हो जाएगा, सीक्रेट प्लान है। अच्छा, क्या हुआ जेठा? अरे अरे, पार्टी का फोन है बाबू जी। हेलो हेलो हेलो, आपकी आवाज कट रही है। हेलो 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 हेलो, हाँ अभी आवाज आ रही है। पोपटलाल बोलो, मैं बेडरूम में आ गया हूँ, मेरे आसपास कोई नहीं है। नहीं नहीं, तो मैं ही हूँ। हाँ बोल बोल। सुनो जेठालाल, आज रात को बहुत बड़ी धमाल होने वाली है, इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अच्छा, क्या बात क्या है? धीरे धीरे। अरे अगर टप्पू या चाचा जी को पता चल गया तो तुम फंस जाओगे। अब ध्यान से सुनो, पाउडर गली के कॉर्नर पर जो जेम्बे टी स्टॉल है ना, वहां आ जाओ, सब खुल के बताता हूँ। और हाँ, इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अरे भाई क्यों सस्पेंस बढ़ा रहे हो, बोलो ना भाई बात क्या है। ओके बाय। हेलो, ये क्या टेंशन दे रहे हैं पोपटलाल। खैर देखता हूँ। चलो बाबूजी, मैं निकल रहा हूँ। क्या दया तू भी। खैर बाबूजी, तो नक्की अभी शाम को हम सब खाना खाने जाएंगे, और बाबूजी खाना खा के लौटते वक्त रास्ते में आपकी पसंदीदा केसर पिस्ता कुल्फी उड़ाएंगे। उड़ाएंगे किस पर? अरे उड़ाएंगे मतलब खाएंगे बापूजी। उड़ाएंगे केसर पिस्ता कुल्फी, पतंग थोड़ी है जो उड़ाएंगे। क्या दया तू भी। टप्पू को बुलाने चली गई। चलो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बापूजी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। तारक सुनिए। बिल्कुल नहीं सुनूंगा, मुझे आर्टिकल पूरा करना, नो डिस्टर्बेंस प्लीज। तारक एक, अरे अंजलि फोन भी लो ना प्लीज। मेहता साहब कोई सुन तो नहीं रहा है? अब पोपट भाई, क्या क्या कह रहे थे पोपट भाई, क्या सुनना था? मैं अंजलि बोल रही हूँ। गड़बड़ हो गई, क्या करूँ। हेलो हेलो हेलो, यहाँ कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, आपको कुछ सुनाई दे रहा है? हाँ पोपट भाई, सुनाई दे रहा है लाउड एंड क्लियर, आप शांति से कहिए, क्या कह रहे थे? अंजलि भाभी याद है।
जरा मेहता साहब को फोन दीजिए ना, उनसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ पर तारक एक्चुअली लिखने में बिजी है, कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल लिख रहे हैं। आप मुझे कह दीजिए, मैं उनको कह दूंगी। नहीं मतलब इतना भी अर्जेंट नहीं है, मतलब मैं बाद में भी फोन कर सकता हूँ। कब करूँ फोन? एक मिनट, कितने बजे फोन करना होगा? मैं इतना जवाब दूंगा तो बात ही कर लूंगा, लाओ ना भाई। मैंने कहा हेलो। मेहता साहब अंजलि भाभी से दूर रहिए। धीरे धीरे ऐसे रिएक्ट करेंगे तो सबको पता चल जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि अगर अंजलि भाभी आपके पास हो तो उनसे थोड़ा दूर हो जाइए, क्योंकि बहुत ही सीक्रेट प्लान के बारे में बात करनी है। हाँ, राइट। बस, कुछ बोलिए मत, सिर्फ सुनिए। मैंने सबको फोन करके पाउडर गली के कॉर्नर पर जो जैम्बे टी स्टॉल है वहाँ बुला लिया है। आप अभी के अभी निकलिए और तुरंत वहाँ आ जाइए, बहुत अर्जेंट काम है। जैम्बे जैम्बे जैम। ओके बाय। सबको फोन हो गया। क्या बात है पोपटलाल। चलो कहाँ? टी स्टॉल। क्यों? मैं चाय बना के देती हूँ ना। अरे नहीं, अंजलि तुम्हारे हाथ का काढ़ा नहीं पीना मुझे, प्लीज। कोई बात नहीं, मैं आपको मसालेदार चाय बना के देती हूँ ना। अरे स्वीट अंजलि तुम तो बनाती हो, मैं कहता हूँ तो मसालेदार ठीक पिलाती हो, लेकिन अभी आर्टिकल के चक्कर में थोड़ा स्ट्रेस में आ गया ना, तुम वो स्लिप ऑफ टंग हो गया। टी स्टॉल नहीं, सॉरी बुक स्टॉल जा रहा था, बुक स्टॉल। क्यों? अरे तुम्हें पता है ना कि मैं अपने इसी ब्रांड के पेन से लिखता हूँ, अचानक कुछ गड़बड़ हो गई तो लेके आता हूँ अभी। पेन? पर सेम ब्रांड की पेन दूसरी पड़ी है। और हाँ मैं दो लेके आया था ना, पेन तो पड़ा, मैं भी आज बार बार ऐसा स्लिप ऑफ टंग हो रहा है ना। एक्चुअली रेफरेंस चाहिए मुझे इस आर्टिकल के लिए, एक और वो किताब मुझे वही मिलेगी। किताब खरीद के लानी है, पेन तो लाना ही है, मतलब किताब भी खरीद के लानी है। यू गया यू आया। हाँ के सामने झूठ बोलना कितना मुश्किल काम है भाई। अरे वो बुक के ऑथर का नाम सोच रहा था, याद आ गया। आत्मारम, ये पोपटलाल ने हमको ये चाय का दुकान पर क्यों बुलाया? आखिर क्या सीक्रेट है? बताता हूँ, पहले तुम मुझे ये बताओ इस वक्त हाथी भाई के मन में क्या चल रहा है। आत्मारम, मैं कोई अंतर्यामी हूँ जो हाथी भाई के मन का बात जान लूंगा? तो मैं भी तो अंतर्यामी नहीं हूँ ना यार, कि पोपटलाल क्या बताने वाला ये जान लूँ। सही बात है, और जब से पोपटलाल का फोन आया मेरी तो भूख टेंशन के मारे डबल हो गई है। भाई जरा एक प्लेट समोसा देना। समोसा तो है ना आती भाई, जरूरत पड़ेगी भिड़े मास्टर। थैंक यू। आ गए दोस्तों। हाँ सिगरेट क्या है पोपटलाल? बता था, एक मिनट, लक्ष्मी और सरस्वती नहीं है? कौन है लक्ष्मी, कौन है सरस्वती? जेठालाल व्यापारी यानी लक्ष्मी, और मेहता साहब लेखक यानी सरस्वती। हाँ तो जेठालाल लक्ष्मी नहीं, लतीफ, लेट लतीफ। क्या हुआ यार भाई, इतना हंस क्यों रहे? जेठालाल, आज मेरा हमने तुम्हारा नया नाम ढूंढा है, लेट लतीफ। अगर मैं लेट लतीफ तो तू उतावड़ी ऊंटड़ी, हर बार समय से पहले पहुंच जाती है और मुझे लेट घोषित करती है। करती है मुझे क्या जेठालाल, करती है मुझे क्या है? अरे भिड़े भाई क्या करो जेठालाल, छोड़ो ना अभी ये सब बहसबाजी यार। पोपटलाल तुम बताओ ना किस लिए बुलाया भाई, घर से बहुत बहाना बना के निकला भाई। अभी बताता हूँ, आप लोग बैठिए। पता नहीं क्या सिगरेट होगा, और ये भी पता नहीं कि सिगरेट में अच्छी खबर है कि बुरी खबर। चाय के प्याले में तूफान, ये कहावत तो आपने और हमने सभी ने सुनी है, लेकिन चाय की दुकान पे सवाल। जी हाँ, जैसा अय्यर भाई ने कहा, इस वक्त ये सवाल हम सभी के दिमाग में है कि आखिर कौन सा ऐसा राज है जो पोपटलाल हमें बताना चाहते हैं, ऐसा कौन सा सीक्रेट है जो पोपटलाल गोकुलधाम सोसाइटी में नहीं बता सकते, और वो राज बताने के लिए हम सभी को यहाँ पे चाय की दुकान पे बुलाया है। भाई सबके दिमाग में सवाल इस वक्त उसी तरह उबल रहे हैं जैसे चाय की केतली में पानी उबलता है, लेकिन पोपटलाल ने अभी तक कुछ बताया नहीं है। सस्पेंस अपनी चरम सीमा पे, मैंने कहा था ना आपसे कि कुछ ना कुछ धमाका जरूर होने वाला है, तो देखिए कि अब ये जो सस्पेंस है ये क्या धमाके लेके आता है। धमाका देखने के लिए और हंसने के लिए देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा।
हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।